हेलो डियर एवरीवन, मैं हूं संजय राय भट्ट और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाय एसआरबी में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ट्राइबल पीपल ने स्वराज का मतलब क्या समझा था। अब इस वीडियो में हम लोग यह डिस्कस करेंगे कि प्लांटेशन वर्कर्स ने, विशेषकर जो आसाम के टी गार्डन में काम करने वाले मजदूर थे, तो वे उन वर्कर्स ने स्वराज का मतलब क्या समझा, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसे जानने से पहले यह जानना होगा कि आखिर प्लांटेशन वर्कर्स की स्थिति क्या थी वहां पर। तो प्लांटेशन वर्कर्स की कंडीशन ये थी कि ब्रिटिश ने 1859 में इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट कानून पास किया था और इस कानून के तहत अपने प्लांटेशन को, यानी जहां वे काम करते थे, उस एरिया को छोड़ नहीं सकते थे। न तो वे प्लांटेशन को छोड़ के बाहर जा सकते थे और न ही अपने घर जा सकते थे। और उसमें कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि यदि प्लांटेशन वर्कर्स जाना चाहते थे तो उनके लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि परमिशन रेयर ही मिलती थी, बहुत मुश्किल था परमिशन मिलना। तो ये थी कंडीशन प्लांटेशन वर्कर्स की असम में। इसी समय गांधी जी ने स्वराज का नारा दिया था। तो जब स्वराज का नारा दिया तो इन प्लांटेशन वर्कर्स ने स्वराज का मतलब क्या समझा। तो स्वराज का मतलब उन लोगों ने ये समझा कि जब स्वराज आएगा तो इसका मतलब कि अब उन्हें गांव जाने की आजादी मिल जाएगी, अब उन्हें बंधुआ मजदूर की तरह वहां प्लांटेशन में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मीनिंग लगाया किसने, प्लांटेशन वर्कर ने। और साथ ही साथ उन लोगों ने यह मान लिया कि गांव जाकर गांव में उन्हें फ्री में जमीन मिलेगी और उन जमीनों पर उनका अपना अधिकार होगा। तो यह था स्वराज का मतलब प्लांटेशन वर्कर्स के लिए। और इसीलिए जब गांधी जी ने स्वराज का नारा दिया, जब यह आंदोलन की शुरुआत हुई नन कोऑपरेशन मूवमेंट की स्वराज के नारे के साथ, तो उस समय प्लांटेशन वर्कर्स ने अपने एरिया से जहां वे लोग काम कर रहे थे, जिस प्लांटेशन में, वहां से उन लोगों ने भागना शुरू किया। लेकिन वे लोग अपने डेस्टिनेशन तक, यानी अपने गांव तक नहीं पहुंच पाए। कारण क्या था, कारण ये था कि चूंकि स्ट्राइक चल रही थी, हड़ताल थी, और उसमें रेलवे में भी स्ट्राइक थी और स्टीमर में भी स्ट्राइक थी, जिसके कारण कम्युनिकेशन का कोई व्यवस्था नहीं थी और वे लोग अपने गांव नहीं जा पाए। हालांकि वे लोग भागे तो जरूर, लेकिन रास्ते में ही उन लोगों को पकड़ लिया गया और ब्रिटिश ने खूब उनकी पिटाई की और वापस उन्हें पकड़ के प्लांटेशन में डाल दिया गया जहां उन्हें काम करना था। तो अब यहां पर गड़बड़ क्या हुई, प्रॉब्लम क्या हुई, आखिर अलग अलग लोगों ने, डिफरेंट तरह के लोगों ने स्वराज का मतलब अलग अलग समझा, अपने तरीके से समझा, आखिर इसका कारण क्या था। इसका एक बड़ा कारण यह था कि स्वराज क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, गांधी जी के स्वराज का जो मतलब था, उस मतलब को लोगों तक कांग्रेस ने नहीं पहुंचा पाया। उसका जो सही मतलब होना चाहिए, इस मतलब को, इसकी मीनिंग को लोगों तक पहुंचा नहीं पाया, यानी लोग समझा नहीं पाई, प्रचार नहीं कर पाया गया कि आखिर स्वराज का एक्चुअल मीनिंग क्या थी गांधी जी के अनुसार। और इसी कारण अलग अलग लोगों ने, डिफरेंट तरह के पीपल ने, डिफरेंट तरह के लोगों ने स्वराज का मतलब अलग अलग लगाया। तो ये थी कंडीशन स्वराज का और स्वराज के मीनिंग का। लेकिन हालांकि यह जो आंदोलन शुरुआत की गई थी, यह आंदोलन लोकल लेवल पर हुई थी, लेकिन गांधी जी ने जो एक स्लोगन दिया था स्वतंत्र भारत का, तो इस स्वतंत्र भारत के नारे से, स्लोगन से बहुत सारे लोग प्रभावित हुए और अपनी लोकल प्रॉब्लम्स को भूलकर एक नेशन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचा गया, एक राष्ट्र की समस्या के बारे में सोचा गया। अब लोगों ने वैसे आंदोलन की शुरुआत की जो भारत को आजाद करा सकता था, देश को आजाद कराने के लिए जो आंदोलन चाहिए थी, उन आंदोलन की शुरुआत अब धीरे धीरे होने लगी। तो इस तरह से यह टॉपिक यहाँ पर समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।